आज हम आलू डालकर चिकन बनाएंगे और ये इसको हम बंगाली तरीके से बनाएंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। नमस्कार, गुटी किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसके लिए हम आधा किलो साफ किया हुआ चिकन लिए हैं और ये फॉर्म वाला चिकन है जो कि बहुत जल्दी पक जाता है। तो सबसे पहले इसमें हम 1 चम्मच नमक डाल देंगे, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, 8-10 कलियाँ लहसुन की ग्रेट करके डाल देंगे, 1 इंच का टुकड़ा ग्रेट करके अदरक का डाल देंगे, जीरा और धनिया का पेस्ट बनाकर डाल देंगे। सारी चीज़ों को हम इसमें पीस कर ही डालेंगे। 4-5 हरी मिर्च को भी पीस कर डालेंगे। अब इतनी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ देखिए चिकन हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। इसको हम एक तरफ रख देंगे। कढ़ाई में लगभग 100 ग्राम के करीबन सरसों का तेल डालेंगे। तेल गरम हो गया है, इसमें हम 2 आलू को छीलकर बीच से काटकर बड़ा टुकड़ा में चीरा लगाकर डाल दिए हैं। इसमें हम नमक और हल्दी डालकर इसको 3-4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। 3-4 मिनट हो गया है, आलू को अब हम निकाल लेंगे। अब हम इसमें 1 प्याज को बारीक काट कर डाल देंगे और इसको भी हम फ्राई करके निकाल लेंगे। तो ये देखिए प्याज हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। इसे अब हम प्लेट से निकाल लेते हैं और आलू वाले प्लेट में ही साइड में इसको भी रख लेते हैं। अब हम इसमें कुछ फोरन में 1/2 चम्मच जीरा डाल देंगे, 2 तेज पत्ता डालेंगे और 150 ग्राम के लगभग प्याज को बारीक काट कर डाल देंगे। प्याज को हम 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा अभी नहीं भूनना है। अब हम इसमें मिक्स किया हुआ चिकन को डाल देंगे। चिकन को डालकर अच्छी तरह से गला देंगे और चिकन प्याज सारी चीज़ों को साथ साथ गलाएंगे। तो बीच बीच में इसको हम ढक दिया करेंगे और हर 1-2 मिनट पर इसको हम चलाते रहेंगे। गैस के फ्लेम को हम मीडियम हाई रखेंगे और देखिए चिकन का कलर बदलने लगा है और इसका कलर डार्क होता जा रहा है। बहुत ही टेस्टी इस तरह से चिकन बनता है। एक बार बनाइएगा, बहुत पसंद आएगा और चिकन जल्दी बन भी जाता है। 1/2 घंटा में ये चिकन बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ देखिए चिकन को हम अच्छी तरह से भून लिए हैं, प्याज भी हमारा गल गया है। अब हम भुने हुए आलू को इसमें डाल देंगे और ज़रूरत के हिसाब से गर्म पानी डाल लेंगे। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप पानी इसमें डाल सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 4-5 मिनट के लिए इसको हम अच्छे से पका लेंगे ताकि चिकन आलू सारी चीज़ें अच्छे से गल जाए और प्याज की भी ग्रेवी अच्छा बन जाए। तो ये देखिए यहाँ हमारा चिकन कितना अच्छा दिख रहा है और गाढ़ा भी हो गया है अच्छे से। इसको हम बीच बीच में चला भी देते हैं और इसको हम पका भी रहे हैं अच्छी तरह से। अब हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे, इसको डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे और भुना हुआ जो प्याज रखे थे इसको हम ऊपर से डाल देंगे। इससे बहुत ही टेस्टी हो जाएगा और बहुत टेस्टी इस तरह से चिकन बनता है। एक बार इस तरह से बनाकर ट्राई कीजिएगा। चिकन बनकर रेडी हो गया है, अब हम इसको सर्व कर देंगे। इस चिकन को आप रोटी, पराठे या चावल जिस किसी चीज़ के भी साथ खाइएगा, बहुत टेस्टी लगेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।